Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. हमारा मान किया है, उपहास किया है हमारा, हमने सहन किया, फिर भी तेरी बुद्धि ने तेरा साथ नहीं दिया, हमारी तपस्या को भंग किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि जल में पड़ी रहने वाली भैंस की तरह भैंस रूपणी होकर दुर्गति को प्राप्त हो। विरोध करने वाली, अपनी आयु देख, हमारी आयु देख, अपना जीवन देख, हमारा जीवन देख, तूने दृष्टता कैसे की हमारे साथ विनोद करने की। हम तुझे नहीं जानते, तू हमें नहीं जानती, फिर हमारे साथ विनोद कैसा रे। बोलो मेरे शिवर, क्षमा करे, क्षमा करे। भूल के लिए क्षमा का नहीं दंड का विधान होता है मूर्खा, और मैंने तुझे दंड दिया। तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू क्षमा के योग्य नहीं है। दया करे ऋषिवर, दया करे। अब दया की याचना कर रही है, तब विचार नहीं आया जब अल्लड़ता से हम पर पानी उछाल रही थी, तब परिणाम का भय नहीं था तुझे। दुष्परिणामों का भय न होने से ही दुष्कर्म होते हैं, और दुष्कर्म वो पिशाचनी है जो दुष्परिणामों की कई संतानों को जन्म दे डालती है। अब तू भी भुगत। ऋषिवर, शीघ्र ही तुम्हारा एक जन्म जो तुम्हारे पुत्र की माता बने। Yeah!
अग्निदेव ने सत्य ही कहा था। आपने तो मेरी हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। यही है जो मेरे पुत्र की माता बनेगी। यदि आप मेरे जीवन साथी हो। महाबली, इस वन्य प्रदेश में आपने मेरी उस दुष्ट से रक्षा की है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी। सत्य तो ये है कि ये मेरी तपस्या तुम्हें मेरे पास ले आई, किंतु तुम्हारे सिर पे ये सिंह कैसे? ऋषि के शाप के कारण मेरी ये दशा हुई। मैं यहाँ के राजा पृथ्वीसेन की पुत्री राजकुमारी श्यामला हूँ। तो श्यामला, क्या तुम मेरे पुत्रों की माता बनोगी? महाबली होते हुए भी आप तपस्वी हैं। क्या आप अपनी तपस्या के बल और प्रभाव से मेरा पूरा रूप फिर से लौटा सकते हैं? यदि तुम्हारा पूर्व रूप ना भी लौटा तो इस रूप में भी तुम मुझे स्वीकार हो। प्रिय दानव सैनिकों, यक्षराज और यक्ष मित्रों, आज से राजकुमारी श्यामला हमारी महारानी है। ये हमारे पुत्र दानव राजकुमार की माता बनेगी और दानवों की वंश वृद्धि में ये सहायक होगी। दानव राज रंभ की जय। दानव महारानी श्यामला की जय।